हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेटिंग शॉर्ट में। तो दोस्तों आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले ओडीआई सीरीज के बारे में। तो बीसीसीआई के द्वारा ऑफिशियली अनाउंस की गई टीम आप साइड स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दो टीमों का चयन हुआ है। पहले और दूसरे वनडे जो मुकाबले होंगे उसके लिए अलग टीम का अनाउंसमेंट हुआ है, और जो तीसरा और फाइनल मुकाबला है यानी तीसरा और फाइनल मुकाबले के लिए अलग टीम का चयन हुआ है। तो बात कर लेते हैं पहले और जो दूसरे जो ओडीआई मुकाबले खेले जाने हैं उसके लिए जो टीम का अनाउंसमेंट हुआ है उसमें केएल राहुल को कप्तान और रविंद्र जडेजा को वाइस कप्तान बनाया गया है। और तीसरे नंबर पर आते हैं ऋतुराज गायकवाड़, चौथे नंबर पर सुमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव और एक और नाम है तिलक वर्मा, और ईशान किशन, शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर, आर अश्विन और बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। ये 15 सदस्यीय टीम का चयन हुआ है। खासकर हालांकि मैं भी इस जो टीम का जो सिलेक्शन हुआ है इसमें मैं भी एक नाम ढूंढ रहा हूँ, शायद आप भी वो नाम ढूंढ रहे होंगे, वो है संजू सैमसन का। तो भाई इस बंदे को यार बीसीसीआई के द्वारा इग्नोर किया जा रहा है। यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी अच्छा एवरेज और स्ट्राइक रेट है ओडीआई में, उसकी जगह पे आपको तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव को इतने मौके मिल रहे हैं। यार इस बंदे के साथ क्या हो रहा है ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। और बात कर लेते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा हो गए, इनको जो रेस्ट दिया जा रहा है यार, ओडीआई का वर्ल्ड कप होना है, अगर तुम ये जो स्टार प्लेयर हैं इनको ही रेस्ट दे रहे हो तो यार कैसे क्या होगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और साइड स्क्रीन पे आप जैसे देख पा रहे हो जो थर्ड और फाइनल मुकाबला खेला जाना है उसमें आपको तीन नाम ऐड हो जाएंगे और एक नाम को निकाल दिया गया है। हालांकि जो ये तीसरा और फाइनल मुकाबला है उसके लिए टीम का जो अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पहले नंबर पर मिल जाएंगे रोहित शर्मा जो कैप्टेंसी करेंगे, और हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाया गया है, और विराट कोहली इसमें भी आ गए हैं, और अक्षर पटेल का नाम यहाँ पे शामिल किया गया है पहली जो लिस्ट है उसके मुकाबले। हालांकि उस लिस्ट से जो तीसरा मुकाबला है उससे तिलक वर्मा को निकाल दिया गया है। लेकिन यार मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि संजू सैमसन को बार बार बीसीसीआई इग्नोर क्यों कर रही है। हालांकि अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो संजू सैमसन की परफॉर्मेंस तिलक वर्मा हो गए या आपके ये सूर्य कुमार यादव हो गए उनसे अच्छी परफॉर्मेंस है संजू सैमसन की, लेकिन बार बार इग्नोर किया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या सोचते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।